जनमनोऽभिनायक जय हे भारत भारत। फाइनली जाकर जब मौसम साफ होता है तो मिस्टर मकसूदा सबमरीन से बाहर निकलते हैं छोटी सी नाव पैडलिंग करते हुए भीगते हुए वो जापानीज सबमरीन के पास पहुंचते हैं जहां पर कैप्टन मसाओ तेराओ का उनका स्वागत करते हैं। एक सवाल आपके मन में उठेगा कि ये जर्मन और जापानीज सबमरीन वर्ल्ड वॉर टू के समय पर एक इंडियन की क्यों मदद कर रहे हैं। ऐसा इसलिए दोस्तों क्योंकि मिस्टर मकसूदा और कोई नहीं बल्कि हमारे नेताजी सुभाष चंद्र बोस है। जाने अनजाने में इस ऐतिहासिक जर्नी के दौरान ये इतिहास के पहले इंडियन भी बन जाते हैं एक सबमरीन में सफर करने वाले। सुभाष चंद्र बोस दोस्तों इंडिया के सबसे महान फ्रीडम फाइटर्स में से एक है और इनकी पूरी कहानी ऐसे ही कमाल के किस्सों से भरी हुई है। कैसे ही ब्रिटिश हुकूमत को चकमा देकर इंडिया छोड़कर भागे, जर्मनी गए, हिटलर से मिले, रशिया गए, जापान गए, जापानीज प्राइम मिनिस्टर से मिले, सिंगापुर गए, अपनी एक आर्मी बनाई और इंडिया के बाहर रहकर ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ सबसे बड़ी जंग छेड़ी।
नारा देकर 21 अक्टूबर 2018 को आजादी सरकार की 75वीं वर्षगांठ पर हम तिरंगा फहराएंगे। और साथियों, बड़े जश्न के साथ भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने हमारे सपनों को साकार किया और पूरे देश को, पूरी दुनिया को बता दिया कि भारत के अखंड भारत के पहले प्रधानमंत्री नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी थे और उनके शुभ हाथों से हमने आजाद हिंद सरकार की 75वीं वर्षगांठ पर हमने तिरंगा फहराया। साथियों, उसके बाद मैंने स्वयं तय किया था कि देश के हर जिले में, हर राज्य में आजाद हिंद सरकार की एक हर साल सरकार की वर्षगांठ पर हम सब मिलकर नेताजी को याद करते हुए हम लोग तिरंगा फहराए। और पिछले साल हमने आप सभी को वचन दिया था कि हम करके रहेंगे और उस वक्त हमने महाराष्ट्र के गवर्नर भगत सिंह कोश्यारी से अनुरोध किया था कि आपके हाथों से, शुभ हाथों से हमें आजाद हिंद सरकार की वर्षगांठ पर तिरंगा फहराना है और उन्होंने हमको हाँ कहा था कि हम अवश्य प्रोग्राम में आएंगे। और मैंने उन्हें यह भी कहा था कि प्रोग्राम की फाइनल मीटिंग 23 मार्च को होगी और उस वक्त हमने 23 मार्च को वहां तो रहे नहीं, फरवरी में हमसे महाराष्ट्र से वो निकल गए और उनकी जगह पर हमारे गवर्नर रमेश बैस जी आए। फिर हमने 23 मार्च उनके साथ में मीटिंग की, सक्सेना जी थे, अन्य सभी लोग थे और उन्होंने भी हमें कहा कि हम 21 अक्टूबर को हम आएंगे और तिरंगा फहराएंगे। लेकिन 17 जुलाई 2023 को उनका एक लेटर हमें प्राप्त हुआ और उन्होंने कहा कि मैं किसी कारण इस प्रोग्राम में आ नहीं सकता, आपके प्रोग्राम को मैं हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। साथियों, ये हमारा ये मुख्य उद्देश्य था कि किसी भी हाल में हमें आजादी सरकार का तिरंगा, वर्षगांठ पर तिरंगा फहराना है और इसकी शुरुआत यही सैनिक संस्था करेगी। और मैंने ये भी कहा था कि नरेंद्र मोदी जी अगर भारत की लाल किले पर तिरंगा नहीं फहराए तो यही सैनिक संस्था तिरंगा फहराएगी, हमारा मुख्य उद्देश्य था। और मुख्य उद्देश्य को पूरा करने के लिए जो सहयोग दिया है उस वक्त के वासी जिला के अध्यक्ष श्री राजेश राठौड़ जी और चंद सिंह यादव जी और आज के कोषाध्यक्ष राजेश राठौड़ जी और आज के नए चुने गए हमारे महाराष्ट्र के प्रदेश अध्यक्ष चंद सिंह यादव जी और उनके कार्यकर्ताओं ने हमारा उद्देश्य पूरा करने में, सबसे पहला जो 21 अक्टूबर का उद्देश्य पूरा करने में बहुत कम समय में और ऐसे परिसर में जहाँ पे हमारे संस्था का कोई भी व्यक्ति नहीं था, सुविधाएं कम थी, रहने की व्यवस्था को नहीं थी, तो ऐसे परिसर में हमने हमारे राजेश राठौड़ जी के नेतृत्व में हमने तिरंगा फहराया और इस साल का जो मुख्य उद्देश्य था उनके जरिए पूरा हुआ। मैं आज यहाँ पर कहना चाहता हूँ कि राजेश राठौड़ जी और उनकी टीम को इस साल का देश का सबसे पहला अवार्ड हमने देते हैं और उन्हीं के जरिए ये पहला काम हुआ है। दूसरा काम साथियों, प्रोग्राम लेने में अव्वल रहा है हमारी मुंबई जिला की अध्यक्षा श्रीमती मधुबाला जंगले जी के नेतृत्व में इतना सुंदर काम हुआ। 25 नवंबर को जो अटैक हुआ था यहाँ पर, 25/11 उनके नेतृत्व में वो कार्य हुआ, वो किसी कारण उस प्रोग्राम में नहीं थी, आयोजन उन्होंने किया था। दूसरा हमारी जो तीसरा नंबर जाता है हमारी जया श्रीवास्तव जी को, क्योंकि उन्होंने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ वहाँ के प्रोग्राम मनाया, फिर वो ने क्या सितंबर में यहाँ पर आई, यहाँ को लोगों को इकट्ठा करके मार्गदर्शन किया, उत्साहित किया। और चौथा जो है इस साल का जो पुरस्कार जाता है हमारी श्रीमती सुरीता भिंदकर जी को, अन्य लोगों ने भी काम किया है लेकिन हमारे पास वो कार्य लिखित नहीं है, जिन्होंने कार्य किया है वो हमारे पास लिखित नहीं है इसलिए उनको अवार्ड में नहीं दे रहा हूँ, लेकिन जो कार्य मेरे पास लिखित है उनके नाम मैं यहाँ पर बोल रहा हूँ। साथियों, जैसे आप सबको पता है कि हम